दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चदप प्रधान। चलिए दोस्त, योनो पे कैसे यूज करते हैं जानेंगे और सीखेंगे। इसीलिए योनो SBI खुलेंगे। ठीक है दोस्त, आप योनो SBI को खुलने के लिए ब्रांच जा सकते हैं, अपना ब्रांच। अगर आपके पास नेट बैंकिंग पहले से है तो आप नेट बैंकिंग से भी योनो SBI को खुल सकते हैं। अगर नहीं तो आप ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। आप user ID से भी खुल सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। अगर user ID से नहीं खुलना चाहते, MPIN से खुलना चाहते हैं तो MPIN डाल के खुल सकते हैं। मैं मेरा MPIN डालता हूँ और खोलता हूँ। ठीक है दोस्त, दोस्तों देखिए ये मेरा बैलेंस है। ठीक है, और आप यहाँ जाएंगे तो ये है होम, अभी जो दिखाया था वही है। ठीक है दोस्त, और यहाँ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ अकाउंट में जाएंगे और खुलेंगे इसको। तो आप ये बैलेंस देख सकते हैं और एक साल का भी बैलेंस देख सकते हैं दोस्त योनो पे से। अगर यहाँ क्लिक करेंगे किनारे में तो आप पूरी डिटेल दिखाएगा। ठीक है दोस्त, ये देखिए पूरा डिटेल दिखाता है, कितना आया कितना गया। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप बैक जाएंगे, ये बैक निशाना है, यहाँ से बैक जाएंगे और कितना आपका डिपॉजिट है यहाँ दिखाएगा यह। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरा कितना फिक्स डिपॉजिट है यहाँ बताता है। ठीक है दोस्त, अपना अपना आप देख लीजिए। अगर आप बैंक में ब्रांच में जाके फिक्स डिपॉजिट किया है तो दिखाएगा, अगर आप अपना मर्जी से अगर करेंगे तो यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से यह है रिकरिंग डिपॉजिट, यह है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है दोस्त, मैं ब्रांच से ही इसी को डिपॉजिट करता हूँ। मैं एप्लीकेशन दिया था इसी के लिए, तो यहाँ से मेरा कट रहा। ठीक है दोस्त, अगर आप ब्रांच से पैसा लिया है और धार उधार तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। मैं ब्रांच से उधार उधार लिया नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, देखिए नहीं दिखा रहा। तो लिया है तो यहाँ दिखाएगा। अगर आप इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से दिखाएगा। ठीक है दोस्त, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है इसीलिए मेरा दिखा नहीं रहा है। ठीक है दोस्त, देखो हाँ मैं इन्वेस्ट नहीं किया है। और इंश्योरेंस किया है तो यहाँ आपको दिखाएगा इंश्योरेंस। देखिए मैं क्लिक किया है और मेरा इंश्योरेंस अभी दिखाएगा, ये मेरा इंश्योरेंस है। देखिए दोस्त, अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिखाएगा। ठीक है दोस्त, अपना अपना आप देख सकते हैं। मेरा SBI लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, स्मार्ट मनी बैग का ये है।
ये देख सकते हैं आप, अगर आप SBI लाइफ इंश्योरेंस किया है तो अपना आप देख सकते हैं। और आपका क्रेडिट है, ये माय क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो आपका दिखाएगा। मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं लिया नहीं है, देखिए ये नहीं है, नहीं लिखा है ना, वी हैव नो क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगर लिया होगा तो अगर आप बैंक के साथ लिंक नहीं किया तो लिंक कर भी सकता है, यहाँ से देखिए लिंक करने का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्त। और क्या है आगे, और रिवार्ड है, ये देखिए रिवार्ड है, इसी को क्लिक करेंगे तो आप रिवार्ड पॉइंट देख सकते हैं। देखिए 390 पॉइंट मेरा है, देखिए मेरा 300 रिवार्ड पॉइंट, ठीक है दोस्त। हाँ 570 पॉइंट है, इनमें से मैं रिडीम किया था, 570 है यहाँ से मैं रिडीम किया था, रिचार्ज किया था दोस्त, ठीक है। और 7 पॉइंट एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी हुआ है, ठीक है। और देखिए मैं रिचार्ज किया था, ठीक है दोस्त। और क्या है, और यहाँ आगे नहीं है, ठीक है बैक चलेंगे और देखेंगे, ये है यूनो पे, यूनो पे को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से आप क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। और यहाँ से यूनो कैश ATM से आप निकल सकते हैं। मैं यूनो कैश का वीडियो बना दूंगा आगे, और ठीक है दोस्त। और ये किसी दूसरे के अकाउंट में किसी भी बैंक में आप पैसा भेज सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भीम UPI बना सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हो, ठीक है। और QR कोड स्कैन करके यहाँ से भेज सकते हो। और ये है SBI क्रेडिट कार्ड, अगर SBI क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से भी ले सकते हो, ऑनलाइन इसी से होता है दोस्त यूनो पैसा। और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहाँ से होता है, और पेमेंट भी कर सकते हो ये SBI क्रेडिट कार्ड से, DTH रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारे इसका काम। यूनो कैश ये मैं को भी इसी का मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाया है मैं, आगे कभी बनाऊंगा तो आप देखेंगे, ठीक है दोस्त। और इसमें क्या है, डिपॉजिट है, ये देखिए डिपॉजिट है, अगर आप डिपॉजिट किया है पैसा तो आपका दिखाएगा, मेरा देखिए पैसा डिपॉजिट किया, पहले से दिखाया था मैं, ठीक है दोस्त। ये वही है, और इसमें अदर डिपॉजिट है मेरा, ये PPF अकाउंट है, ठीक है दोस्त। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ और मेरा अकाउंट नंबर दिखाई देगा, ठीक है दोस्त। अगर ई निशाना में क्लिक करोगे पूरा कितने दिन का पूरा ट्रांजैक्शन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से बैक, ये है बैक करने का निशाना है, मैं बैक जाता हूँ। और यह इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैं तो इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं पहले से दिखाया था, ठीक है दोस्त। और यहाँ से यह है लोन, अगर लोन लिया होगा तो आपको दिखाएगा, मैं तो लोन लिया नहीं है, मैं पहले से उधार उधार किया होगा तो बताया था ना, वही है वे ये चीज़ है। यहाँ से बैग जाएंगे बाएं साइड, ये सबसे ऊपर, ठीक है। तो और इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी आपको तो दिखाया था, क्या बताऊँगा। और यहाँ से आप सब कर सकते हो, यहाँ से देखिए
ठीक है, और यहाँ से ऑफर देख सकते हो। ठीक है दोस्त, और यहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्त, दोस्तों यहाँ से और बिल पेमेंट भी कर सकते हो, बुक ट्रेन टिकट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन अभी लागू हुआ नहीं है, ये नो वेरेबल, और ये नो वेरेबल अगर ऑप्शन लागू हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, आगे वीडियो भी बनाऊंगा। SBI और क्या है, SBI रिवार्ड, अच्छा ये रिवार्ड, नियरेस्ट ब्रांच यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पास में कहाँ ब्रांच है, और ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से कॉल कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है दोस्त, और क्या है इसमें ऑफर है, ये ऑफर देखिए, ये देखिए ये ऑफर, ये चल रहा है ना, स्क्रॉल हो रहा है ना, ये यहाँ से ऑफर देख करके आप कुछ भी खरीद सकते हो, देखिए। ठीक है दोस्त, इस तरह का ये बहुत फ़ायदा है, इसी के ये है ना, सर्विस रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट, ट्रेन टिकट कैसे बुक होता है, ट्रेन टिकट सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ये लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्त, दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, नमस्कार, मैं रखता हूँ, जय हिंद, जय भारत।